कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के लगातार सामने आ रहे मामलों की पड़ताल के लिए सरकारों के अलावा स्थानीय प्रशासन की कोचिंग गाइडलाइन कागजी साबित हो रही है। तो वही हॉस्टल्स में जाकर विद्यार्थियों के साथ चाय कॉफी पर चर्चा भी दिखावे के कार्यक्रम ही प्रतीत हो रहे हैं। अब ऐसे में इन मामलों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने हर कोचिंग हॉस्टल में गेट कीपर ट्रेनिंग और हर रूम में छत पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस अनिवार्य कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बदहवास सी स्थिति में था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर हमें थोड़ा सा भी विलंब और होता तो शायद वो कोई अनहोनी कर भी लड़ता। सिटी SP शरद चौधरी ने बताया कि रेस्क्यू किया गया स्टूडेंट्स डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसके एक साथी स्टूडेंट द्वारा वाराणसी में आत्महत्या करने के बाद मृतक छात्र के मोबाइल फोन में इस छात्र द्वारा लिखी कुछ पंक्तियों से उसके अवसादग्रस्त होने की सूचना मिली थी। इनपुट मिलते ही आनन फानन में करीब 250 पुलिस कर्मी अधिकारियों की टीम ने आधे पौने घंटे में पूरा ऑपरेशन चलाकर PG की पहचान की और जैसे तैसे रूम का गेट खुलवाकर नाबालिग छात्र को सकुशल बचा लिया। परिजन सूचना मिलते ही तुरंत कोटा आए और स्टूडेंट्स को लेकर चले गए। कई बच्चे ये अपने सुसाइड नोट पे भी लिखते हैं कि आई एम ए लूजर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा। उनको चाहिए कि वो इस बात को खुल के कहें और अपने पेरेंट्स हैं और अपने टीचर्स हैं और इस संबंध में ज़रूरत पड़े तो जो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। पर बच्चे ये सब नहीं कर पाते हैं और कई बार वो करना चाहते हैं, मेहनत भी वो बहुत करते हैं, पर वो एक ऐसे बिंदु पे पहुंच जाते हैं जब उनको लगता है कि अब उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है तो इस दशा में वो आत्महत्या कर बैठते हैं। इस बीच स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अब हर कोचिंग हॉस्टल में गेट कीपर ट्रेनिंग को अनिवार्य करने का प्रावधान करके व्यापक ट्रेनिंग सेशन शुरू किए ताकि स्टूडेंट्स के व्यवहार और शारीरिक भाषा से उन पर निगाह रखी जा सके। तो वहीं कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड को रोकने के बाद कोटा सिटी SP शरद चौधरी ने डिप्रेशन तनावग्रस्त स्टूडेंट्स की पहचान के लिए ब्रेन मैपिंग जैसी विधा को प्रयोग किए जाने की भी कवायद शुरू किए जाने की बात कही। और सीकर के खंडेला से एक खबर है, अवैध हथियार के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बोलेरो से दो देशी पिस्टल, 3 मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मामोला निवासी आरोपी बोधू राम गुर्जर और सेवली निवासी बंटी गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। खंडेला पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। थानाधिकारी वीर सिंह ने जानकारी दी है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बोलेरो से दो देशी पिस्टल, 3 मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दरअसल अवैध हथियारों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बड़ी सफलता टीम को मिली है। और जो दो आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास से बोलेरो से दो देशी पिस्टल, 3 मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। मामूला निवासी आरोपी बोधूराम गुर्जर है और दूसरा सेवली निवासी बंटी गुर्जर है। दोनों को ही टीम ने पकड़ लिया है। खंडेला पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करे क्या किसी वारदात को अंजाम देने ये जा रहे थे। थानाधिकारी वीर सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी है। हथियारों के साथ, अवैध हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।